Sutra number 3.36. Tataḥ prātibhaśrāvaṇavedanādarśāsvādavārtā jāyante. ये सूत्र में जो इफेक्ट है पुरुष ज्ञान का वो बताया गया है. पुरुष ज्ञान से क्या होता है कि हमें प्रातिभा मिलता है. इसका मतलब है कि इंट्यूटिव नॉलेज हमें आना शुरू होता है और हमारे जो सारे सेंसेस जो है वो 100% काम करने लगते हैं. अभी हमारे सेंसेस जो है वो 5% 10% तक काम करता है, जिससे हम लोग अलग अलग टाइप के कलर्स, अलग अलग टाइप के ध्वनि हम सुन सकते हैं. लेकिन हमें पता है कि बहुत सारे कलर्स हम लोग देख नहीं सकते, बहुत सारा जो वॉइसेस है वो हम लोग सुन नहीं सकते. ये हमारे ध्यान में अभी से आया है. तो अगर ये सारे सेंसेस 100% काम करने लगे तो फिर उसे हम लोग इंट्यूटिव नॉलेज भी कह सकते हैं. तो ये सारा जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स जो है ये हमें हमारे सेंसेस को मिलता है आफ्टर गेटिंग पुरुष ज्ञान, मतलब पुरुष ज्ञान मिलने के बाद. तो ये सूत्र में पुरुष ज्ञान का जो है वो इफेक्ट बताया है. ततः प्रातिभा श्रावण वेदना आदर्श आस्वाद वार्ता जायन्ते. प्रातिभा मतलब इसका वर्णन 33वें सूत्र में आया है. इससे क्या होता है कि भूत, भविष्य और वर्तमान काल और सूक्ष्म ढकी हुई चीज़ और दूर देशों में जो स्थित वस्तुएं हैं उसका भी हमें प्रत्यक्ष हो जाता है. तो प्रत्यक्ष ज्ञान मिलता है यहाँ पर, मतलब अनुमान और आगम का अभी कोई ज़रूरत नहीं है. अभी हमें सारा ज्ञान जो है वो प्रत्यक्ष में हो रहा है. और जब हमें प्रत्यक्ष में होता है तो फिर अनुमान या आगम का ज़रूरत पड़ता भी नहीं. अगर हम लोग आग देख रहे हैं फॉर एग्ज़ाम्पल, तो फिर किसी को आके बताने की ज़रूरत ही नहीं है कि हाँ वहाँ पर धुआँ है, क्योंकि हम लोग प्रत्यक्ष में आग देख ही रहे हैं. इसके बाद आता है श्रावण. श्रावण मतलब इससे दिव्य शब्द सुनने की शक्ति आ जाती है. वेदना मतलब इससे दिव्य स्पर्श का अनुभव करने की शक्ति आ जाती है. आदर्श मतलब इससे दिव्य रूप का दर्शन करने की शक्ति आ जाती है. आस्वाद का मतलब है इससे दिव्य रस का अनुभव जो है वो करने की शक्ति आ जाती है. और वार्ता जो है इससे दिव्य गंध का अनुभव करने की शक्ति जो है वो आ जाती है. तो ये सूत्र में सारे सेंसेस जो है वो एक्स्ट्राऑर्डिनरली फंक्शन करते हैं, ऐसा वर्णन किया है. तो ये था सूत्र नंबर 3.36, ततः प्रातिभा श्रावण वेदना आदर्श आस्वाद वार्ता जायन्ते.